खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रचार में दिल्ली के उम्मीदवार जी जान से जुटे हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार भी 40 डिग्री की गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। गौतम गंभीर का मुकाबला आम आदमी पार्टी की आतिशी और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली से है। गौतम गंभीर कैसे प्रचार कर जनता से वोट मांग रहे हैं, एबीपी न्यूज के साथ देखिए गौतम गंभीर के प्रचार का एक दिन। दिल्ली की 7 सीटों में लोकसभा चुनाव 12 मई को होने हैं और इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर बीजेपी से सेलिब्रिटी क्रिकेटर गौतम गंभीर चुनाव लड़ रहे हैं और वो इस वक्त ओखला में मौजूद है। ओखला के श्रीराम चौक पर वो इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर गौतम गंभीर आए हुए हैं और गौतम गंभीर लगभग 10 बजे आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ गौतम है। गौतम, आप लोग कब से वेट कर रहे हैं? गौतम जी, हम सुबह 7-7:30 बजे से वेट कर रहे हैं। बज चुका है, अब आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कार्यकर्ता गर्मी सर्दी सब झेलने के लिए तैयार है। गौतम जी आ चुके हैं, देख रहे हैं मैम, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है हमें। हम पर जोश देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं का कि 2 घंटे वो लेट है लगभग, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जोश है और जैसे ही उन्होंने क्रिकेटर सेलिब्रिटी गौतम गंभीर को देखा है तो वैसे ही यहाँ पर बीजेपी के नारे लगना शुरू हो चुका है। गौतम गंभीर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ओपी शर्मा यहाँ पर जो विधायक है वो ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर वो आगे यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। बढ़ते हैं आगे और ये कैंपेन ट्रेन में देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ गौतम गंभीर जाते हैं। इस वक्त हम गौतम गंभीर का इलेक्शन ट्रेल यानी कि चुनाव प्रचार कवर कर रहे हैं। यहाँ पर भैया नाम क्या है आपका? शिवम चौहान। शिवम, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? मदनपुर खादर जी। मदनपुर से ही है तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, गौतम गंभीर का जीतने के चांसेस हैं? पूरे पूरे चांस हैं, सारे वोट हमारे बीजेपी सब बीजेपी। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार जो हम कर रहे हैं वो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। स्कूटी में हम शिवम की स्कूटी में बैठे हुए हैं। शिवम हमें चुनाव प्रचार के जो जितने भी रंग हैं वो दिखाने वाले हैं। पीछे गौतम गंभीर भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, गौतम गंभीर अपनी गाड़ी में ये रोड शो कर रहे हैं। गौतम गंभीर जो अपनी ज़्यादातर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो रोड शो के जरिए ही कर रहे हैं क्योंकि रोड शो से ज़्यादा एक कवर जो एक एरिया होता है वो कवर करना आसान होता है। गौतम जी, सबसे पहले सवाल पूछेंगे क्रिकेट के मैदान से ट्विटर, ट्विटर पर आप बहुत वोकल भी रहे हैं, कितना अलग है ये? देखिए, अलग तो है, ज्यादा चैलेंजिंग भी है लेकिन बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज आप लोगों के बीच में उतर के उनकी जो समस्याएं हैं प्लस उनकी जिंदगी को आप डायरेक्टली बदल सकते हैं। पहले आप क्रिकेट खेलते थे उसमें आप एक छोटे से स्पेस में थे, आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते थे अगर आप मैच जीतते थे, लेकिन अब आप उनकी जिंदगी हर तरीके से बदल सकते हो, चाहे वो बेहतर जिंदगी हो चाहे वो किसी भी तरीके से, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में हो। क्रिकेट के मैदान में जब आप थे तो कभी सोचा था कि पूर्वी दिल्ली से आप कैंडिडेट होंगे? देखिए, दिल्ली तो सभी की है, अगर आप दिल्ली के वासी हो, अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हो, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी है तो पूरी दिल्ली आपकी है। तो मैंने कभी ये पूछा भी नहीं कि ना कभी ये बोला कि मेरे को यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना है या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना है। मैंने हमेशा ही बिलीव किया कि अगर आप दिल्ली में पैदा हुए पूरी दिल्ली आपकी है, जहाँ से भी दिल्ली आपको लड़ाए आप लड़े और प्लस दिल्ली। राजनीति में आने का कभी सोचा था जब क्रिकेट के मैदान में थे तो उस वक्त सोचा था कि कभी आप भी सांसद का चुनाव लड़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त नहीं सोचा, लेकिन एक वक्त ये जरूर सोचा था कि जब मैं हर इशू पे ट्वीट करता था, हर मुद्दे पे ट्वीट करता था तो कई बार ये लगता था कि जब लोग पूछते थे कि आप ट्वीट करते हैं, ट्वीट के बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्वीट के बाद आप भूल जाते हैं, तो मुझे लगता था कि या तो मैं ट्वीट करना छोड़ दूं या फिर मेरे में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं लोगों के बीच में उतरूं और वो जो मैं ट्वीट करता हूं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूं जिससे देश का भला हो और देश का लाभ हो। कितना चैलेंजिंग लग रहा है, आप देख रहे हैं कि देखो सुबह ऊपर से जो लोग हैं छतों से अपनी देख रहे हैं, कितना चैलेंजिंग आपके लिए है ये एक अलग तरीके का रोल निभाना? देखिए, चैलेंजिंग है और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आसान हो चाहे। क्रिकेट भी आसान नहीं थी शुरू में, उधर भी चैलेंजेस थे, इधर भी चैलेंजेस हैं, इधर अलग किस्म के चैलेंजेस हैं, उधर अपने अलग किस्म के चैलेंजेस थे, लेकिन आपके पास मौका है कुछ अच्छा करने का, कुछ बहुत काफ़ी जिंदगी बदलने का। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे मिली है, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली, तो ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पिछड़े इलाकों में से आती है क्योंकि कई इलाके जैसे ओखला में भी हम गए, हमने कई जगह कूड़ा भी देखा, कई जगह गंदगी भी देखी, कई जगह विकास के हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर विकास के कार्य कई सालों से लंबित। देखिए, चैलेंज है लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि हम ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएं। हम दिल्ली को झूठे वायदे नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे को पेरिस बनाना है, लंदन बनाना है, हम दिल्ली को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईस्ट दिल्ली को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे जहाँ पर हम साफ पानी की बात करेंगे, हम मल्टी लेवल पार्किंग्स की बात करेंगे। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडफिल है गाजीपुर,
उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करेंगे। हम मेट्रो लेके आने की कोशिश करेंगे कोंडली विलेज में जहाँ तक मेट्रो आ सके। तो ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे भी इस दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। गौतम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, गर्मी बहुत है दिल्ली में, 42-43 तक टेम्परेचर जा रखा है क्योंकि, लेकिन आप तो स्पोर्ट्समैन हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही नॉर्मल है आप लोगों के लिए या फिर गर्मी में, क्योंकि कार्यकर्ता भी तमाम जो आप लोगों के साथ हैं गर्मी में, आप लोगों के साथ ही वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं का जोश है, जिस तरीके से आपने बात करी कि कितनी गर्मी है, कार्यकर्ताओं का जोश है और इसी जोश की वजह से आप में भी हिम्मत आती है। और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा बैकबोन है। तो जब वो इस जोश से दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जोश आ जाता है। आप लोग, आपके खिलाफ जो दो लोग हैं अमरिंदर सिंह लवली और आतिशी मालिना, आतिशी तो कम से कम एक साल से तैयारियां कर रही हैं अपने चुनाव की, ये लवली जो हैं वो तो विधायक भी रह चुके हैं उस इलाके के, तो कितना आपके लिए ये टफ है ये चुनाव, या मोदी के नाम पर आप सोच रहे हैं कि चुनाव जो है वो जीत जाएंगे? देखिए सबसे ज्यादा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हम प्रोमिसेस करें झूठे वायदे ना करें। जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में हमारे CM साहब ने इतने बड़े बड़े वादे किए और दिया कुछ भी नहीं, तो हम झूठे वादे ना करें वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो हम वादे करें उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, उसको जल्दी से जल्दी अचीव करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही के पार्टी के लोग आपको सोच रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट है आए और अब चुनाव भी लड़ रहे हैं? ये तो विधायक जी से भी सवाल पूछेंगे। मैम जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है उस तरीके से तो नहीं लग रहा। देखिए लोग यहाँ पर आपको बल्ले का एक मूव भी करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग हैं आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एक बस दीदार करना चाहते हैं। क्या लगता है कि उससे भी चुनाव जीत पाएंगे? मैम जैसे मैंने आपको बोला कि 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा, इसका मैं आपको भी क्या जवाब दूं? बिल्कुल, तो यहाँ पर गौतम गंभीर जिनका कहना है कि 23 तारीख को ही इन सवालों का जवाब मिलेगा कि क्या वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। काउंसलर भी है हमारे साथ और OP जी कह रहे हैं कि इनकी भी जीत की उम्मीद है यहाँ पर, जहाँ पर अहमदनपुर खादर में जीतेंगे, पूरा साथ देंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। गौतम गंभीर का काफिला आप जाते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी दूसरी तरफ में, पूर्वी दिल्ली से वो इस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ पर ये जा रहे हैं लोगों से यहाँ पर बात करते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर एक शख्स है जो कि यहाँ पर इस रोड शो को भी देख रहे हैं। सर क्या नाम है आप? महेश सिंह। महेश जी क्या है इस बार पूर्वी दिल्ली में हाल? मोदी पैराशूट कैंडिडेट है गौतम गंभीर, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, नहीं वोट तो मोदी पे जा रही है ना, गौतम गंभीर के नाम पे नहीं। नहीं गौतम गंभीर तो है ही है यंग युवा का, लेकिन जो है मोदी के नाम पे वोट पूरे देश में है, वोट मोदी की लहर, मोदी की लहर है, गौतम गंभीर की लहर नहीं। गौतम गंभीर तो है ही। किसका पलड़ा भारी है? गौतम गंभीर का। क्यों वजह? आजकल भाजपा ही चल रही है, बस भाजपा ही चल रही है। सर आपका क्या कहना है, किसका पलड़ा भारी? गौतम गंभीर। क्यों वजह? गौतम गंभीर अच्छा बढ़िया काम करा है क्रिकेटर के नाम से। नहीं काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तो वो आए तो नहीं किया, पर क्रिकेटर के नाम से। हाँ क्रिकेटर के नाम से। अच्छा तो यहाँ पर बाकी युवा भी हैं, क्या लगता है आपको क्या है पूर्वी दिल्ली का? गौतम गंभीर ही है क्योंकि क्रिकेटर भी है और अच्छा प्लेयर। युवा जो है वो उनसे आकर्षित होंगे क्योंकि वो युवा हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है आप बताइए सर क्या क्या है? बढ़िया जी बढ़िया है, गौतम गंभीर आएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की है वो सभी गौतम गंभीर का नाम ले रहे हैं। क्या ये रोड शो का असर है या फिर कैमरे का असर है, ये एक दिलचस्प बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है दिल्ली में, जो मुकाबला है आम आदमी पार्टी BJP और कांग्रेस के बीच में है, और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, कौन दो होंगे जिनको हार का सामना करना पड़ेगा, कौन वो एक होगा जिसकी जीत होगी, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन 12 मई को दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, सभी सीटों पर दिग्गज नेता है, किसकी जीत होगी ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ श्रेया बहुगना, ABP News, पूर्वी दिल्ली।